एक छोटे से शहर की नन्ही लड़की अचानक ही बनी राजकुमारी। न समझू कि कैसे करूँ सही, सीखना बहुत अभी। महल में हूँ सबकी संग में रहती, गुरुकुल ऐसा जो है राज ऐसी। मेरे इंतजार में दुनिया है सपनों की, खुश हूँ कि मैं बनी। जानूंगी मैं कैसी शाही जिंदगी है, मेरे लिए अनोखे दिन ये सारे। तो देखेंगे ये सब कि मैं ही हूँ अब सोफिया द फर्स्ट। गुप्त पुस्तकालय ओलाफ और मिस नेटल की कहानी। ठीक है, मैं जल्दी से आने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें मुझे इन चीजों के बारे में आगाह करना चाहिए। मिस नेटल की कहानी? ये किताब मिस नेटल की है। ओह नहीं, अब उन्होंने क्या कर दिया? बहुत दूर एक देश का मौसम इतना सर्द और बर्फीला है कि वहाँ की जमीन पर बर्फ की मोटी चादर ढकी रहती है। उस देश का नाम है फ्रिजनबर्ग। ये तो हिल्डेगार्ड का देश है। कई सालों तक फ्रिजनबर्ग में एक भी फूल नहीं उगता था, एक भी लिली या एक भी गुलाब नहीं जिसे देखकर लोग खुश हो जाएं। राजा ने अपने माली को एक ऐसा फूल ढूंढने के लिए भेजा जो फ्रिजनबर्ग में उग सके, और माली एक बहुत ही अनोखी चीज के साथ वापस आया। एक ऐसा फूल जो इतना ताकतवर था कि उसने फ्रिजनबर्ग की बर्फ को भी सह लिया। वो था हिमपुष्प। लोगों को अपना नया फूल बहुत पसंद आया और उन्होंने पूरे राज्य में उसे लगा दिया। फिर हर साल वो सर्दियों में हिमपुष्प का जश्न मनाते। असल में वो जश्न आज रात को ही होने वाला है, पर उसमें एक मुश्किल है। लगता है अब मिस्टर लाएंगी। एक शैतान परी नेटल सारे हिमपुष्पों को चुरा रही है। अगर नेटल जादूगरनी उन सबको चुराने में कामयाब हो गई, तो वो सर्दी का जश्न नहीं मना पाएंगे। और उससे खराब बात तो ये है कि फ्रिजनबर्ग में एक भी फूल नहीं रह जाएगा। ओ नहीं, मुझे मिस नेटल को रोककर इस कहानी का अंत सुखद करना है। क्या तुम्हें मिस नेटल कहीं दिख रही है? नहीं, पर क्या ये इसलिए है? ओ, मेरा कांपना बंद नहीं हो रहा और मुझे पता नहीं वो दिखती कैसी है। देखो वो रही। एक फूल मेरे लिए, एक और फूल मेरे लिए, और एक और फूल मेरे लिए। मैं ये क्या कह रही हूँ, ये सब मेरे लिए है। हमें उन्हें रोकना होगा। हम अकेले बचाएंगे उसे, पर वो जादू जानती है और उसकी हंसी बहुत ही डरावनी है। फिक्र मत करो, हमारे पास भी जादू है। सब सुनो, क्या तुम सब मेरी मदद कर सकते हो? तुम सबको योजना समझ में आई? हाँ, हम ध्यान बटाएंगे वो गंदी परी का। जैसे ही तुम इशारा करोगे। बढ़िया, और इससे मुझे और मिनिमस को वहाँ जाकर चुराए हुए फूल वापस लाने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, रुको, कितने करीब? सब तैयार है? चलो चले। ओ, 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 अपने पंख मुझसे दूर रखो। ओ, ओ, मुझसे दूर हटो शैतानों। ये क्या है? मैं तुम्हें आगाह कर रही हूँ, आखिर ये सब हो क्या रहा है? चलो मिनिमस। वही रुक जाओ मिस नेटल। अरे वाह, ये तो वही दूसरों के मामले में टांग अड़ाने वाली राजकुमारी है। अभी तक तुम्हारी आदत गई नहीं? और आप सबके लिए इतनी मुश्किलें क्यों खड़ी करती हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो वही ले रही हूँ जो मेरा है। ये फूल आपके नहीं है, ये फ्रिजनबर्ग के लोगों की अमानत है। ऐसा तुम्हें लगता है? ये मेरे हैं और हमेशा से थे। मैं इन्हें वापस लेकर रहूँगी। पहले तुम्हें मेरे अटपटे क्रिस्टल्स का मजा चखना होगा। किसी ने देखा कि वो कहाँ गई? तुमने क्या कहा? ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? ओ मेरे मिस, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। मेरा लॉकेट काम नहीं कर रहा। ये मिस नेटल के क्रिस्टल्स की वजह से हुआ है। मुझे याद है इसी तरह उन्होंने जादूगर सेड्रिक की छड़ी भी बिगाड़ दी। ओ मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, पर अगर तुम मुझे समझ सकते हो
हो तो जाओ और मिस नेटल को ढूंढो, हमें उन्हें रोकना होगा। अगर उन्हें ढूंढ भी लिया तो ये मुझे बताएंगे कैसे? ओह मिनिमस, पता नहीं मैं अपने लॉकेट के बिना और तुम्हारे बिना कर भी पाऊंगी या नहीं। देखो शायद मदद के लिए राजकुमारी आ रही हो। तुम किसे ढूंढ रही हो? माफ करना। नहीं मेरी गलती है, कोई बात नहीं। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि ऐसा मेरे साथ कितनी बार होता है। मैं यहाँ पर हूँ, नहीं वहाँ नहीं। रुको मैं मदद करती हूँ। शुक्रिया, मैं ओलाफ हूँ और मुझे झप्पिया बहुत पसंद है। मैं सोफिया हूँ और ये मिनिमस है। वो ये तो बिना पंख और सिंग वाले बैंगनी हिरन की तरह है। तो तुम्हें किसकी तलाश है सोफिया? राजकुमारी की। ओह मैं अभी एक राजकुमारी के साथ था, एरेंडेल की राजकुमारी आना। पता नहीं वो कहाँ चली गई या मैं कहाँ आ गया हूँ। कहाँ हूँ मैं? नहीं। ओह नहीं, ओह नहीं, नहीं, इस जगह के बारे में पहले नहीं सुना। क्या ये एरेंडेल से दूर है? क्योंकि मुझे वापस जाना चाहिए। लगता है लॉकेट तुम्हें गलती से यहाँ ले आया है। आमतौर पर राजकुमारी यहाँ सलाह देने आती है, पर एक शैतान परी ने अजीब क्रिस्टल्स डाल दिए और इसीलिए तुम यहाँ आए हो। लॉकेट ने मुझे सलाह देने को भेजा, मैं तुम्हें सलाह दे सकता हूँ। सच में? हाँ। आग के बहुत करीब मत जाना। ठीक है, धन्यवाद। तो अब क्या? आमतौर पर राजकुमारियां वहीं चली जाती हैं जहाँ से वो आई है। ठीक है तो अलविदा, शैतान परी से अच्छे से निपटना, तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं अब भी यहाँ हूँ। ओह, क्योंकि मेरा लॉकेट ठीक से काम नहीं कर रहा। मुझे माफ कर दो पर लगता है तुम यहाँ फंस गए हो। मतलब हमेशा के लिए या हमेशा से थोड़े कम वक्त के लिए? मुझे नहीं पता, हालात तो बिगड़ते ही जा रहे हैं। मुझे मिस लेटल को जश्न बर्बाद करने से रोकना होगा और लॉकेट ठीक करके तुम्हें घर भेजना होगा। ओ कोई बात नहीं सोफिया, मैं और बैंगनी बिना सिंगों वाला हिरन तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है। ठीक है, सबसे पहले क्या करें? हमें मिस लेटल को रोकना होगा। ठीक है तो हो जाए। माफ करना। क्या सवारी है, मानो एक घोड़े के रथ पर सवारी कर रहा हूँ। हमें जल्दी से जल्दी उसे ढूंढना होगा। मिनिमस। इसे कहते हैं सफर करने का सही तरीका। अपनी लकड़ियों से बहती हवा को महसूस करना कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ से सब कुछ कितना छोटा दिख रहा है। अरे देखो गाजर। आओ। ओ नहीं, वो तो मेरी नाक है। मैं ठीक हूँ। हमें उसे पकड़ना होगा मिनिमस। अब भी ठीक हूँ। ओह बढ़िया नजारा है। तेज और तेज। वो कहाँ चला गया? इसे एक सितारा चाहिए। लो मेरा ले लो। तुम्हारा नहीं मेरा। ओ नहीं ओलाफ, इनमें से तुम कौन हो? अरे ये तो मेरा बर्फ का पुतला है। ओ माफ करना, ये वो नहीं है। नहीं ये भी नहीं, ये वाला भी नहीं। बच्चों खाना लग गया है। पर मैं अपने बर्फ के पुतले के बालों में फूल लगाना चाहती थी। वैसे हमारे पास और हेम पुष्प नहीं है और हो सकता है अब हम जश्न भी ना मना पाए। पर वो तो पूरे साल की सबसे मजेदार रात होती है। मैं तुम्हारे लिए फूल ढूंढता हूँ। ये बर्फ का पुतला तो बात करता है। तुम चाहो तो मैं यही खड़ा रह सकता हूँ। तुम यहाँ हो ओलाफ, आखिर तुम कर क्या रहे थे? कुछ नए दोस्त बनाने की कोशिश, पर ये ज्यादा बात नहीं करते। तो अब कहाँ? मिस नेटल को ढूंढने, पर मुझे अब तक नहीं पता कि वो गई कहाँ। अगर हम जादूगर नेटल को ढूंढ भी ले तो मैं उसे अपने लॉकेट के बिना रोक कैसे पाऊंगी? पता है रानी एल्सा को बहुत तरह के जादू आते हैं, पर एरेंडेल की बर्फ को पिघलाने का रास्ता उसे राजकुमारी आना ने ही बताया, और आना के पास कोई जादुई शक्तियाँ नहीं है। बस वो कभी हार नहीं मानती और उसका दिल बहुत बड़ा है। ये कोई जादुई ताकत नहीं है ओलाफ। पता है सोफिया, ये कहीं बेहतर है। तुम सही कह रहे हो, मुझे कोशिश तो करनी चाहिए। ये हुई ना बात। अब चलो शैतान परी को ढूंढते हैं। देखो एक आ रही है। नहीं ये मेरी दोस्त हिल्डेगार्ड है। हिल्डी। सोफिया ये तुम हो?
अगर तुम सर्दियों के पुष्प महोत्सव के लिए आई हो तो मेरे पास बुरी खबर है, हिम पुष्प गायब हो रहे हैं। कोई बात नहीं, हमें पता है उन्हें कौन ले गया। तुम्हारे पास बोलने वाला बर्फ का पुतला है? ये है मेरा दोस्त ओलाफ। कैसे हो? ये है मेरी दोस्त सोफिया। ये कितना, मुझे भी एक चाहिए अभी के अभी। तुम्हें यकीन है ये शैतान परी नहीं है? हिल्डेगार्ड मेरी बात सुनो, मिस नेफिल सारे फूलों को ले जा रही है। वो शैतान परी जिसने गुरुकुल में इतनी मुसीबत खड़ी कर दी थी, वो ऐसा क्यों कर रही है? मुझे नहीं पता, पर वो सारे फूल चुरा रही है। क्या तुमने उसे देखा? नहीं, मैं पूरे राज्य में फूलों की तलाश कर रही थी और मैंने बर्फ के अलावा कुछ नहीं देखा। मालिक के उन खूबसूरत ही पुष्पों को लाने से पहले फ्रीजन बर्फ कुछ ऐसे ही दिखता था। यकीन नहीं होता कि वो सब तकरीबन खत्म हो गए हैं। तकरीबन से तुम्हारा क्या मतलब? महल के पास के शाही बगीचे में अभी कुछ फूल उग रहे हैं, पर इतने नहीं कि जश्न मनाया जा सके। तुमने सुना, अभी भी कुछ फूल बचे हैं। और जहाँ होंगे फूल वहाँ होंगी मधुमक्खियाँ। नहीं, जहाँ होंगे फूल वहाँ होंगी मिस नेटल। मैं महल वापस जा रही हूँ, जाकर पिताजी को इस बारे में बताती हूँ। हम तुमसे वही मिलते हैं। चलो मेरे मिस, इस बार तुम्हें संभल कर बैठना होगा ओलाफ। ओ यकीन करो मैं पकड़ूंगा, बताया ना मुझे झपिया बहुत पसंद है। मेरे पास आ जाओ मेरे खूबसूरत फूल, ये सब मेरे हैं, मेरे थैले के अंदर मेरे प्यारे फूल। देखो मैं किसी की बुराई नहीं करता, पर लगता है मेरे सामने एक और शैतान परी है। मिस नेल, ओह कितने सुंदर फूल है। ओह मुझे जल्दी ही मिस नेल को ये बताना होगा कि ये फूल फ्रीजनबर्ग के लिए कितने जरूरी है। वो आखिरी हिम पुष्प भी लेने वाली है। मैं इसे रोकता हूँ। ओलाफ, ये क्या है? ओ, मुझे देखो कितना अच्छा लग रहा हूँ ना। कौन है वहाँ? मुझ पर से हटो। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। वही रुक जाओ मिस नेटल। तुम फिर से आ गई। असल में हमें तो मिलने का मौका ही नहीं मिला। मैं हूँ ओलाफ। वो आखिरी हिम पुष्प लेने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। और मैं ऐसा क्यों करूं? क्योंकि ये फूल सर्द प्रदेश के लोगों के लिए बहुत जरूरी है। हो सकता है ये मेरे लिए भी बहुत मायने रखते हो। क्या तुमने इस बारे में सोचा? नहीं, नहीं सोचा। हमेशा से एक सपना था बनाओ फूल सबसे निराला। बहुत की मैंने मेहनत और एक काम मैंने कर डाला। खिल सकता था हाँ बर्फ में वो, और देखते रहे सभी कितना प्यारा कितना सख्त था बिल्कुल मेरी तरह ही। मुझे नहीं पता था कि आपने हिम पुष्प बनाए हैं। यही तो मुश्किल है, किसी को नहीं पता। मेरा भी नाम हो सकता था इतना बढ़िया था किया काम। और कई राजा महाराजा मेरी तारीफ करते रहते तमाम। लेकिन एक दिन कुछ जाने बिन गायब हुए सब फूल। ना पंखुड़ी ना कोई बीज, सारी मेहनत हो गई धूल। बर्फ का शाही माली उसे ऐसे फूल को ढूंढने भेजा था जो बर्फ में उग सके, और उसे वो फूल मिल गया और वो उसे ले गया। मेरा प्यारा फूल बिल्कुल ही नया, मेरा प्यारा फूल कोई चुरा के ले गया। होती है अब दावत पर मुझे बुलाते नहीं, कोई भी न जाने ये फूल था मैंने बनाया। कोई जाने ना कि वो मैं थी। बेचारी परी को गलत समझा गया है। हाँ बिल्कुल, मैं कुछ चुरा नहीं रही, मैं तो बस वो वापस ले रही हूँ जो मेरा था। पर अगर आप सारे हिम पुष्प ले गई, तो फ्रीजनबर्ग में एक भी फूल नहीं बचेगा। उससे मुझे क्या? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। नहीं।
बहुत ही गुस्सेल बेले है। हो गया, मैंने इस राज्य का आखिरी फूल भी ले लिया। फिर मिलेंगे राजकुमारी। फ्रीजनबर्ग के लोगों से कहना मुझसे दुश्मनी लेने से पहले दो बार सोच ले। उफ, इस भारी थैले की वजह से मैं अच्छे से निकल भी नहीं पा रही। मैं आजाद नहीं हो पा रही। मुझे लगा कि लॉकेट की ताकतों के बिना मैं इसे रोक पाऊंगी, पर ऐसा नहीं है। कुछ इस तरह सोचो, कम से कम उस परी को तो उसके फूल वापस मिल गए। मैं उस शैतान परी के बारे में क्यों सोचूं? क्योंकि हो सकता है कि अब वो खुश हो, जैसे जब एल्सा ने देखा कि आना उसे कितना प्यार करती है और उसे अंदर से अच्छा महसूस होने लगा, और मानो एक बार फिर बसंत आ गया। सारी बर्फ पिघल गई, सब खुश हो गए और मैं भी पिघलते पिघलते बचा। तुम ठीक कह रहे हो ओलाफ, मैं इस बारे में गलत सोच रही थी। मुझे ये तय करना था कि इस कहानी का अंत सुखद हो सबके लिए, मिस नेटल के लिए भी। मुझे पता है मुझे क्या करना है, पर मैं इन बेलों से निकल नहीं पा रही। दुखी मत हो सोफिया, तुमने अंत को सुखद बना ही दिया था। मुझे पता है, पर ओलाफ तुम आजाद हो। हाँ, मैंने तो देखा भी नहीं। जल्दी हमें खोलो। सोफिया, मैंने कहा ना, आज रात हम जश्न नहीं मनाने वाले। मेरे पिताजी ऐलान करने ही वाले हैं। मालूम नहीं शैतान परी ने हमारे सारे प्यारे हिम फूल क्यों चुरा लिए। उनका नाम मिस नेटल है, और आपके शाही माली ने सालों पहले उन फूलों को उनसे चुराया था, जब आपने उन्हें फ्रीजनबर्ग के लिए फूल ढूंढने भेजा। मिस नेटल को बहुत बुरा लगा कि किसी ने भी फूलों के लिए उन्हें धन्यवाद नहीं कहा। उम्मीद है अगर आप उन्हें धन्यवाद कहें तो उनका गुस्सा ठंडा हो सकता है। हाँ बिल्कुल, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। अगर हिम पुष्पों को उन्होंने बनाया है तो हम उनके एहसानमंद हैं। हमें बताओ वो कहाँ है। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। सारे फूल इकट्ठे करते ही वो कहीं उड़ गए। मुझे लगता है शायद अब वो कभी वापस नहीं आएगी। पर उसने सारे फूल नहीं लिए हैं। हाँ? क्या हिम पुतले ने सचमुच बात की? मैं आपको इसके बारे में ही बता रही थी पिताजी। क्या मुझे भी एक मिल सकता है? तुमने कहा मिस नेटल ने सारे हिम पुष्प नहीं लिए। आहा, वो ये वाला लेना चुप गई। मैंने एक मिनट पहले ही इसे देखा, जब मैं पहाड़ से फिसल रहा था तब ये पीछे फंस गया होगा। चीजें मुझसे बहुत चिपक जाती है क्योंकि मैं बर्फ का बना हुआ हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हम इससे मिस नेटल को वापस बुला सकते हैं। अभी इस जश्न को रोकिएगा नहीं, बस सबको यहाँ इकट्ठा होकर इंतजार करने को कहिए। वापस आइए मिस नेटल, आपने एक हिम पुष्प छोड़ दिया। क्या आपने सारे इकट्ठा नहीं किए? उसे मुझे अभी दे दो ना समझ राजकुमारी। ये सब क्या कर रहे हैं? ये फूलों के बिना जश्न कैसे मनाएंगे? ये जानते हैं, पर ये फिर भी यहाँ आए क्योंकि राजा को आपसे कुछ कहना है। हमें बताया गया है कि आप वो होशियार परी हैं जिसने हमारा प्यारा हिमपुष्प बनाया है। हाँ बिल्कुल सही बताया गया है। क्यों? सर्द प्रदेश के लोगों, आज हमें बताया गया है कि जादूगरनी नेटल ने ही हमारे खूबसूरत हिमपुष्प को बनाया है। इतना ताकतवर फूल जो हमारे बर्फीले इलाके में भी आसानी से उग जाता है। वो तो मेरा पसंदीदा फूल है। ओ, वैसे बस मैंने अपने जादुई पौधा घर में थोड़ा सा जादू किया था। इतना शानदार फूल हमने आज तक कभी नहीं देखा। हर बच्चा सबसे पहले इसी फूल का चित्र बनाता है। सच में? और जो भी फ्रीजनबर्ग में शादी करता है वो हिम पुष्पों की छत के नीचे करता है। सच में? हमें इतने सालों तक इतनी खुशी देने के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आज जश्न के दिन मैं आपका दुनिया की सबसे अनोखी परी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिस नेटल, क्या आप फ्रीजनबर्ग को उसके फूल लौटा पाएंगी? ठीक है, मैं उनमें से कुछ फूल लौटा देती हूँ। हम हिम पुष्पों को वापस सिर्फ एक शर्त पर लेंगे। ओ, वो क्या है? वो ये है कि अब से उन्हें हिम पुष्प बुलाने की बजाय उन्हें नेटल पुष्प बुलाएंगे, ताकि हम हमेशा उस दयालु परी को याद कर सकें जिन्होंने हमें वो दिए। नेटल पुष्प, ओ, सब ले लो, सारे ले लो।
माहौल को और सुंदर बनाने के लिए हो जाए सिम सिम फूलों की रिमझिम। शुक्रिया, हमने आज तक कभी इतना शानदार सर्दियों का पुष्प महोत्सव नहीं मनाया। देखा, सब लोग खुश हैं। मुझे लगता है तुम ही हो जो इस सब के लिए जिम्मेदार है। हाँ, और मुझे खुशी है कि आपको आपका सम्मान मिला। हाँ, बिल्कुल ठीक वक्त पर, है ना? शुक्रिया इस सब के लिए सोफिया। कोई बात नहीं मिस टटल, अब आपको भी मेरी मदद करनी होगी। ओह, कितना काम करना पड़ता है मुझे। ठीक है तो बताओ। जब से आपके अटपटे क्रिस्टल्स मेरे लॉकेट पर गिरे हैं, तब से यह जीप पर काम कर रहा है। अटपटे क्रिस्टल्स का यही तो काम है। क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? मैं ठीक कर सकती हूँ। तुमने सुना नहीं, मैं दुनिया की सबसे शानदार परी हूँ। बिल्कुल कर सकती हूँ। धन्यवाद। अब अगर बुरा ना मानो तो मैं अपने जश्न में लौटना चाहूँगी। टाटा। कैसे हो लोगों? मैं लौट आई। तुम्हें मेरी याद आई? मिनिमस, कुछ तो कहो। बहुत ठंड लग रही है। हाँ, मेरा लॉकेट ठीक हो गया। मैं बहुत खुश हूँ। ओह, मैं इसे बता देती हूँ। ओलाफ, मेरा लॉकेट ठीक हो गया। अच्छी बात है। तो अब तुम घर जा पाओगे। ओह, तो शायद वो भी अच्छी बात है। आखिर बात क्या है? ओह, मुझे यहाँ आकर तुम्हें अच्छी सलाह देनी थी, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए अच्छी सलाह थी ही नहीं। ओलाफ, तुमने मुझे याद दिलाया कि बड़ा दिल होना और कभी ना हार मानना जादुई ताकत होने से कहीं ज्यादा जरूरी है। ये मेरी आज तक की सबसे अच्छी सलाह है। सच में? तो मेरी सलाह अच्छी थी, है ना? हाँ। और हाँ, वो आग से दूर रहो वाली सलाह भी बहुत काम की है। ठीक है। ये क्या हो रहा है? शायद तुम वापस जा रहे हो। मुझे भी झप्पियाँ देना अच्छा लगता है। अजीब बात है, मुझे भी। अलविदा, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा लॉकेट फिर से खराब हो जाए ताकि मैं वापस आकर तुमसे मिल सकूं। अलविदा ओलाफ। और अब सबसे बड़ा पल हो जाए सिम सिम फूलों की रिमझिम। और इस तरह फ्रीजनबर्ग के लोग और जादूगरनी नेटल साथ में सर्दियों के पुष्प महोत्सव मनाने लगे और खूबसूरत नेटल पुष्प की खूबसूरती का मजा लेने लगे। To subscribe, call your cable or DTH operator today.